नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। आज आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने अपने अवतरण दिवस को आत्मरक्षा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि आज पूरा देश संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे परिवेश में हमारा दायित्व है कि हम स्वयं की रक्षा करते हुए समाज के अन्य लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करें, क्योंकि प्राकृतिक आपदा किसी के नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा सभी प्रियजनों से अनुरोध है कि ऐसी विकट घड़ी में अपनी शक्ति पर भरोसा रखें, सात्विक बने, निर्धारित नियमों का पालन करें, सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन लें और सबसे बड़ी बात की परमात्मा के प्रति निष्ठा रखें। उन्होंने कहा कि आज धर्म की परिभाषा ही बदल गई है। आज सबसे बड़ा धर्म आत्मरक्षा है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा रक्षितो धर्मः, अर्थात अपनी रक्षा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। इस कथन को चरितार्थ करते हुए आज उन्होंने अपने अवतरण दिवस को आत्मरक्षा दिवस के रूप में मनाया। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। इस वर्ष के अवतरण दिवस को आत्मरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करें, क्योंकि यह वर्ष संक्रमण का वर्ष चल रहा है। जितने भी हमारे प्रियजन हैं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। कि दरअसल हम अपने गुरुजनों का, महापुरुषों का, परमात्मा का कोई अवतरण दिवस या जन्म दिवस इसलिए मनाते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर, उनके द्वारा प्राप्त सिद्धियों पर हम विचार करें और उन सिद्धियों को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जब कभी भी कोई महापुरुष अपने जीवन को तपाकर कोई सिद्धि प्राप्त करता है, तो वह जरूर चाहता है कि उस सिद्धि का प्रसाद तमाम भक्तों के पास जाए। महाजनायन गता सपन्था, महापुरुषों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, या ऐसी मंगल कामना हम लोगों को करनी चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारे जीवन को मंगलमय कर। कैसे? प्रातः काल से लेके फिर रात्रि विश्राम तक कहीं के पल क्रियात्मक हो, कोई ऐसा बुरा काम हम जीवन में न करें, कोई अप्रिय बात न बोले, किसी के मन को न दुखाए और आत्मविश्वास, आत्म कल्याण करते हुए आगे बढ़ते रहे प्रतिक्षण। प्रातः काल जब सोकर उठें, तो उस समय प्रार्थना करें भगवान से कि हे परमात्मा, आज का दिन मंगलमय हो। आलो भद्रा करो यंतु विश्वतः, हे परमात्मा, हमारा यह दिन मंगलमय हो, सभी दिशाओं से शुभ समाचार मुझे प्राप्त हो। लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सभी दिशाओं से प्राप्त हो। और दिन भर जो भी करें, यह समझ कर करें कि परमात्मा सब देख रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि अपार है। अपार दृष्टि वाले परमात्मा से हम कोई चीज गलत बयानी नहीं कर सकते। तो मैं अपने प्रियजनों को निवेदन करता हूं कि आप कोई ऐसा अप्रिय काम न करें जिससे परमात्मा को दुख हो या आपको आत्मग्लानि हो। रात में सोते समय परमात्मा को बार बार धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, तुम्हारी बड़ी कृपा है, आज का दिन मंगलमय हुआ, हम आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं,
हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।